जय हनुमान, जय श्री राम। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, 31 मार्च मंगलवार का दिन, ग्रहों की शुभ दशा, समय अच्छा है, धन समृद्धि सुख की प्राप्ति होगी, सौभाग्य योग में आपके भाग्य चमकेंगे। तो राशिफल जानने से पहले चलिए हम जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज चैत माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, सौभाग्य योग। आज का शुभ मुहूर्त 9:25 से 11:06 तक होगा। आज का राहु काल 3:28 से 5:02 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ काम ना करें। तुला राशि वालों, आज मृगशिरा नक्षत्र और सौभाग्य योग है, तो दिन की शुरुआत उत्तर दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए लकी कलर रेड होगा और आपका लकी नंबर 4 होगा। आज दुपुष्कर योग भी है, जो सुबह 6:07 से शुरू होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र और सौभाग्य योग में आपकी राशि तुला पर मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज सौभाग्य योग है, तो आपकी राशि पर शुक्र राहु और चंद्रमा का भी व्यापक असर रहेगा। तुला राशि वालों, आज ग्रहों का इशारा इस तरफ है कि आप जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में धन और सुख दोनों बढ़ेगा। आपके जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा आपके भविष्य को सुंदर बनाएगा, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और आने वाले दिनों में आपके लिए शुभ योग बनाएगा, क्योंकि आज का मेहनत ही भविष्य का निर्माण करता है। वैसे भी सौभाग्य योग में तुला राशि वालों, मंगल का गोचर हमेशा मंगल ही करता है और आज दिन भी मंगलवार है, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले एक बार हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। हनुमान जी के दर्शन में ही आपका कल्याण है, जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति हनुमान जी का पूजा, हनुमान जी का दर्शन ही देगा। एक बार बजरंग बली का दर्शन कर आप अपने काम पर लग जाएं, जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। तुला राशि वालों, आज शुक्र और राहु के कारण आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उसका समाधान मिलेगा, आपके अंदर की निराशा दूर होगी, आपके मन में जो व्याकुलता चंचलता बनी हुई थी वो खत्म होगी और आपके दिमाग में शांति आएगी। यही शांति आपको काम करने का प्रेरणा देगा, आगे बढ़ने उन्नति करने का मार्ग दिखाएगा। तुला राशि वालों, आप परिश्रम करें, कर्म के रास्ते पर आगे चलें, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचय करें, मन की निराशा निगेटिविटी को बाहर निकालें और जरा सोचें कि आपकी थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ा सा मेहनत आपके भविष्य को कितना उज्जवल, कितना सुंदर बना सकता है। तो ये सोचकर आप सही दिशा में काम करें। ग्रह नक्षत्र का जो गोचर होता है वो इंसान को प्रभावित करता है। हमारी कोई बात आपको बुरी भी लगेगी, आप नाराज भी होंगे, पर हम वही कहते हैं जो आपके ग्रह नक्षत्र का गोचर बताता है। ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा होने वाला है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो तुला राशि वालों,
शनि के कारण आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। शनि आपके सुख स्थान में इस समय गोचर कर रहा है। शनि आपके लिए कारक ग्रह है। शनि जब देता है तो तुला राशि वालों का भाग्य चमकता है। आज शनि आपको बहुत कुछ देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस शनि से कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है। इसलिए हम कहते हैं आप परिश्रम करें, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। आपके जीवन में बहुत कामयाबी, बहुत खुशी, बहुत तरक्की होने वाली है। तुला राशि वालों, मुश्किल से मुश्किल काम भी आप आज कर पाएंगे। वैसे तो इस समय वक्त खराब चल रहा है, सारे लोग घर पर ही हैं, फिर भी आप अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए घर में बैठे बैठे ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, भविष्य में क्या करना है उसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएं और उस रूपरेखा पर आगे चल पाएं तो आपके जीवन में बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी मिलेगी। तुला राशि वालों, घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। आपके परिवार में वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। सभी का सहयोग प्राप्त होगा आपको और आपका दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी से मधुरता आपके मन को शांति देगा, दिमाग में ठंडक पहुंचाएगा और परिवार में बढ़ता प्यार आपके जीवन में एक नई शक्ति देगा। तो इस समय इन सब चीज़ों का संचय करें, पॉजिटिव चीज को अपने अंदर अपनी ताकत बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ग्रहों का शुभ गोचर आपको सफलता, जो आगे जाके नौकरी, व्यापार, पढ़ाई में लाभ देगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि वालों, राशिफल देखने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, जीवन में धन कमाने का मौका भी मिलेगा, मन में शांति, जीवन में उन्नति, हर तरफ खुशी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान।